अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम नौमान सलीम, आप देखिए मेरे यूट्यूब चैनल घर बैठे सीखो। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाला हूँ दोस्तों कि आपने कभी सोचा है जो हमारे कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड होता है उसके ऊपर आपने एक सेल को देखा होगा, एक बड़ा सा सेल लगा होता है, वो क्या काम करता है हमारे कंप्यूटर और लैपटॉप में। दोस्तों आज इसी के बारे में वीडियो बनाने वाला हूँ, दोस्तों आज इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि जो सेल लगा हुआ होता है हमारे मदरबोर्ड पे और लैपटॉप के ऊपर वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है और वो क्या काम करता है, उसका काम क्या होता है, वो किस वजह से लगा हुआ होता है सेल हमारे मदरबोर्ड के ऊपर। तो ज़्यादा वीडियो शुरू करता हूँ, इससे जो रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल घर बैठे सीखो सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं डेली टेक से वीडियो स्क्रिप्ट वगैरह सब लेके आया करता हूँ। ज़्यादा टाइम ना लेते हैं, वीडियो को शुरू करता हूँ। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों जो सेल लगा हुआ होता है मदरबोर्ड के ऊपर उसका काम क्या होता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपने यूट्यूब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियो देखी होंगी कि रैम क्या काम करती है, हार्ड ड्राइव क्या काम करती है, प्रोसेसर कैसे काम करता है। दोस्तों आपने इन सारी चीज़ों के बारे में पहले से जानकारी आपने हासिल कर ली होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों जो एक मदरबोर्ड के दोस्तों जो सेल होता है उसका क्या काम होता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक क्लियर करने वाला हूँ सेल का काम क्या होता है। दोस्तों कभी आपने सोचा है जब भी हम कभी भी कंप्यूटर या लैपटॉप को टर्न ऑफ कर देते हैं, बिल्कुल ऑफ कर देते हैं, तो इसके बाद में जब हम ऑन करते हैं अगेन, तो उसको टाइम और डेट किस तरीके से सेव रहती है, कंप्यूटर को किस तरीके से मालूम रहता है कि जो टाइम पे जिस टाइम पे बंद किया था और घड़ी बाद में चलती रहती है। मिसाल के तौर पर मैंने अगर 12 बजे कंप्यूटर को कर दिया ऑफ, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे वो कंप्यूटर हो, अगर मैंने कर दिया कंप्यूटर को 12 बजे ऑफ, अगर मैं 3 घंटे के बाद कंप्यूटर को ऑन करूँगा तो दोस्तों जब मैं कंप्यूटर ऑन करूँगा तो दोस्तों 3 किस तरीके से बच जाएंगे, किस तरीके से ये क्लॉक काम करती है। दोस्तों इसी के पीछे सारा का सारा साइंस है उस सेल का, सेल सारा का सारी चीज़ को ही मैनेज करता है, जो सेल होता है वही टाइम को मैनेज करता है। अगर दोस्तों वो सेल वीक है, सेल अगर आपको ख़राब हो जाए तो दोस्तों जब भी आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप को ऑन करेंगे दोस्तों आपको बार बार आपको टाइम एंड डेट को सेट करना पड़ेगा। दोस्तों यही होता है सेल का काम। और दोस्तों जो बायोस होती है, बायोस के अंदर भी सेल का काफ़ी ज़्यादा काम होता है, बायोस की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं उसको सेल हैंडल करता है। दोस्तों यही होता है सारा का सारा काम सेल का। सेल काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे कंप्यूटर और लैपटॉप के लिए। दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा कि आपको समझ लग गई कि दोस्तों सेल किस लिए हमारे लिए होता है, कंप्यूटर और लैपटॉप के अंदर कितना ज़रूरी है हमारे लिए सेल। अगर सेल लगा हुआ ना हो तो दोस्तों हमें क्या नुकसान हो सकता है, सेल का काम क्या होता है, मैंने आपको A to Z आपको सारी सारी बात बता दी दोस्तों, जो जितना मेरे को मालूम था। दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा कि आपको वाली वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर भी करें ताकि डेली देख सकें वीडियो स्क्रिप्ट ट्रिक्स वगैरह सब लेके आया करूँ। दोस्तों इसमें फ्लैट नहीं था, देखने के लिए बहुत सारा शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।